बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर गोविंदा के पांव में गोली लग गई, जिसके बाद हर कोई हैरान रह गया। 1 अक्टूबर को हुई इस घटना के बाद एक्टर को अस्पताल में भर्ती किया गया। वहां से उनका एक ऑडियो सामने आया जिसमें कि वो अपनी हेल्थ अपडेट दे रहे हैं और लोगों से लेकर डॉक्टर्स का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। गोविंदा के सामने आए ऑडियो क्लिप में वो कहते हैं, नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ गोविंदा। आप सबका आशीर्वाद और माँ बाप का आशीर्वाद और गुरु की कृपा की वजह से गोली लगी थी और वो निकाल दी गई। मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ के डॉक्टर का, आदरणीय डॉक्टर अग्रवाल जी का, और आप सब लोगों की प्रार्थनाएं जो हैं, आप लोगों का धन्यवाद, प्रणाम। बताते चले कि गोविंदा के मैनेजर के ने ANI को बताया था कि सुबह 4:45 की घटना थी, जब गोविंदा को एक इवेंट के लिए कोलकाता जाना था। वहाँ वो अपनी रिवॉल्वर साफ कर रहे थे मगर लॉक खुला रह गया था, और जिसकी वजह से गोली, वो जब अपना कबर्ड में रख रहे थे बंदूक को, तो फिर वो गोली उनके पैरों पे आके लग गई। बताते चले कि फौरन उनको अंधेरी के क्रिटिकल अस्पताल में ले जाया गया। क्या कुछ कहा गोविंदा ने, एक बार सुन लीजिए ये पूरी दास्ता उनके आवाज में। नमस्कार प्रणाम, मैं हूँ गोविंदा। आप सब लोगों के आशीर्वाद और माँ बाप का आशीर्वाद और गुरु की कृपा की वजह से गोली लगी थी पर वो निकाल दी गई है। मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ के डॉक्टर का, आदरणीय डॉक्टर अग्रवाल जी का, और आप सब लोगों की प्रार्थनाएं जो है, आप लोग का धन्यवाद, बढ़ावा।